भाई ये सारे सेब के पेड़ है ना, ये सेब का बगीचा, सेब का बगीचा। तो सच बोलता हूँ चचा, धीरे क्लोज कॉल। हम लोगों ने अपने रुद्रा को यहाँ पे लगा दिया है, बाकी ये लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे जाएंगे हम लोग। बोलो ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, कुछ भी नहीं बता रहा यार ये। नहीं डिसाइड करो ना आप कहाँ पे। रुद्रा को भी लाना चाहिए था ना, तो मजा आता है। और गाइज यहाँ से तुम लोग देख सकते हो नीचे गाइज कितना घना जंगल है, और ये एशिया का जीजू, एशिया का। हाँ तो गाइज ये एशिया का सबसे घना जंगल है, और देखो यार घर पे घर, घर पे घर, मोटा व्यू। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं यार, अभी हम लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हैं। गाइस सामने व्यू चेक आउट करो यार, ओ हनुमान जी का मंदिर। बट गोप्रो में जूम नहीं होता ना, दिखेगा नहीं तुम लोगों को। सो गाइस फाइनली अभी मैं और नुपू भाई पहुंच चुके हैं शिमला, और अभी जिज्जू जी का कॉल आया था कि भाई तुम लोग टनल के सामने हमारा वेट करो, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, फिर मिलाते तुम सभी के साथ फुल पावर उनको भी। यार आज थोड़ा बहुत जुकाम बुखार लग रखा है, तो उसकी वजह से मेरे को थकान कुछ ज़्यादा ही हो रही है। फाइनली आधा घंटा वेट करवाने के बाद धीरू भाई कहाँ पे है? धीरू भाई नमस्ते, जीजू जी भी आ चुके हैं, तो अभी धीरू भाई का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उनको भी आने देते हैं, फिर आगे का प्लान, आगे का प्लान जीजू जी और धीरू भाई डिसाइड करेंगे कहाँ पे लेके जाओगे। गुरु जी की कृपा होगी जाएंगे। सही बात है, तो जो कुछ होगा हमारे गुरुजी डिसाइड करेंगे। ओह गुरुजी भैया सभी ते लेट है, पौना घंटा हो गया इतनी आई रे। अरे चला चला भाग के, नहीं आगे तो हो जाना कुत्ता हुआ ये रही वाला अपने बंदे भी चलो। तो आगे का प्लान गुरुजी डिसाइड करेंगे। गुरुजी बोलो कहाँ पे जाना? टिब्बा जाना, तो फिर ही बोल रहे हैं। तो फिर मैंने पूछ लिया ने अपने रुद्रा को यहाँ पे लगा दिया है, बाकी ये लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे जाएंगे हम लोग। आगे का सफर हम लोग गाइस गाड़ी में तय करेंगे, क्योंकि अराउंड 30 या 40 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, तो बढ़िया गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि साथ में आए तो भाई अगर अलग अलग जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जो भी बोलो ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, कुछ भी नहीं बता रहा यार ये। फिर क्या गुरुजी आप बोलो, घूमना भाई जहाँ आप बोलेंगे वहीं जाएंगे। नहीं डिसाइड करो ना आप कहाँ पे। जो आपकी इच्छा, पर दीदी यानी फेरी कल किस टाइम आई होना? चलो ऐसा करते ना, ढाली वाले रोड को नीचे को बाइक हम गए थे, बाइक पास चौड़ा नहीं तो ऊपर से जाते थे। ये रोड जा रहा आपका रोडू रामपुर हर जगह किन्नौर कहीं भी अपर शिमला सारा इसी रोड से जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मशारा पॉइंट, मशारा पॉइंट। और गाइस यहाँ से तुम लोग देख सकते हो नीचे गाइस कितना घना जंगल है, और ये एशिया का जीजू, एशिया का। हाँ तो गाइस ये एशिया का सबसे घना जंगल है। हाँ जो सारा सामान है आगे उसको पीछे कर दो बैग में। हाँ इसको भी डाल दो बस गोप्रो। सो गाइस अब गुरु जी भी हमारे साथ जाएंगे गाड़ी के अंदर। रहा नहीं जाता Hello.
सो गाइस यहाँ से हमारा ऑफ रोड स्टार्ट होता है। ये रोड तो सही है, इधर रुद्रा को भी लाना चाहिए था ना, तो मजा आता। वीडियो बननी थी जरूरी सी बात है, उन्होंने दी थी सही कब की जन्नती ये बनाए थे झूठी व्लॉग भी, कश्मीर आ गए हैं गाइस। वाह तमो फेंकू ना होता यार तेरा क्या गाइस मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं सच बोलता हूं। चाचा धीरे क्लोज कॉल गाना तो पीछे है गुरु आंदो 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 थोड़ा जरा गुरु भी आओ प्लीज। अच्छा तेरा अपना रहा मैं बनाऊंगा लो। रोड बड़ा मस्त है ना, ये बढ़िया करते हैं ना रोड में, ये रोड बहुत सही पत्थर ही देगा ना बिल्कुल टेढ़ा है। अभी हम लोग स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अबे साले ओ भाई इस जगह है ए नहीं भाई, नीचे देखो यार तुम लोग जन्नत जन्नती मैंने तेरे लिए इसको नहीं नहीं ये तो मशारा पॉइंट है। कहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं मशारा पॉइंट कितना बचा बारह बस गुरु सफर का मजा ले। गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ गुरुजी को हम घुमाने लाए हैं। आप भी एक बार इस जगह का नजारा ले लीजिए, इस मोड़ के बाद आपको जन्नत नजर आने वाली है। इस जगह को कहते हैं मशारा पॉइंट। व्यू चेकआउट करो गाइस मुझे टेंट लाना चाहिए था। मैंने क्या बोला था क्या गाइज इस जगह को देख के तो हम लोगों को लग रहा है यार हम लोगों को टेंट लाना चाहिए था। गाइज फाइनली यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लिटरली यार तुम लोग जगह देखो यार व्यू चेकआउट करो। गुरुजी आर यू हैप्पी नाउ? चार बंदे तेरे पास चार बंदों के पास।